मंडी शहर में नगर निगम ने नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण करने वाले रेडी फेडी धारकों व दुकानदारों के आगे फुटपाथ पर सामान सजाने वाले दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम ने चौहट्टा, इंदिरा मार्केट और शहर के कुछ अन्य हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान जहां पर भी अतिक्रमण मिला और नो वेंडिंग जोन का उल्लंघन पाया गया वहां कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर के बाजारों में और फुटपाथ पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने शहर के अंदर अतिक्रमण कर सब्जी फल फ्रूट की दुकानें लगाना शुरू कर दी थी, जिनके खिलाफ नगर निगम मंडी की टीम ने शिकंजा कसा है। हालांकि ऐसे व्यापारियों का सामान जब्त नहीं किया, उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगर ये व्यापारी फिर अतिक्रमण करते हैं तो इनके खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करके सामान भी जब्त करेगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों से शहर के फुटपाथ पर रेडी फेडी व सब्जियों की दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही थी। लोगों की शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी अतिक्रमण धारकों को चेतावनी देकर हटा दिया है। हमने जो है अपने एक टीम गठित करी है और वो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं बाजार में, और जो भी इलीगल तरीके से जिन लोगों ने सामान रखा है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमने अपने जो हमारे जो जो कर्मचारी उन लोगों को भी निर्देश दिया है कि अगर वो नहीं उठाते हैं तो उन लोगों के ऊपर भी जो हमारे कर्मचारी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इलीगल तरीके से जो भी सामान सड़क पर मिलेगा या जो भी रेडी फड़ी वाले जो इलीगल तरीके से होंगे हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई है हमारे कमिश्नर साहब के द्वारा भी, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी स्पेशली इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दी, और हमारे तरफ से भी खासकर जो है निर्देश दिए गए हैं कोई भी इलीगल तरीके से अगर आदमी कोई भी मिलता है, कोई भी दुकानदार अगर इलीगल तरीके से अपना सामान रखता है। कल भी मेरे ख्याल में हमारे जो ADC से उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया था, और जो इंदिरा मार्केट में जो दुकानदार हैं उन्होंने जो सामान बाहर रखा था वो उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप अंदर करें, और जो भी इस बारे में जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। उनके लिए भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि वो तुरंत अपना लाइसेंस बनाएं और अगर रिन्यू नहीं हुए तो रिन्यू करवाएं अपने लाइसेंस। सबके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होगा।